हेलो दोस्तों, तो अभी मैंने जो सैमसंग गलेक्सी A52S 5G की जो एक 1UI 5.0 की वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें मैंने फुल रिव्यू बता दिया है उसमें। तो इसमें मैं जो है कुछ सिलेक्टेड फीचर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अपडेट होने के अल्ट्रा तक मिलता है। इसकी फुल एच डी 60 FPS की रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वही आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं और कुछ चेंज नहीं है। और आप यहाँ प्लस कर सकते हो, जो ऐड करना हो, मूव करना हो, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप पोर्ट्रेट में अगर यहाँ पर जाओगे तो वो भी ऐसे ही मिलता है, पहले से ज़्यादा, पहले से इम्प्रूव किया गया है इसे। तो यहाँ पे सैमसंग ने अपने एनिमेशन को इम्प्रूव कर दिया। अगर मैं आपको क्लियर बताऊँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो एनिमेशन इम्प्रूव हुआ है, हल्का सा यहाँ पे जूमिंग आता है। अगर आप देखोगे लास्ट टाइम पे, ये देखिए,
जूमिंग इफेक्ट यहाँ पे आता है। एनिमेशन जो सैमसंग ने काफ़ी स्मूथ यहाँ पे कर दिया है, अगर आप देखोगे ये देखो काफ़ी एनिमेशन स्मूथ यहाँ पे सैमसंग ने बिल्कुल किया है। तो ये हल्का सा मतलब इफेक्ट दिया, मतलब नया एनिमेशन भी इसमें ऐड हुआ है, तो मुझे इसके एनिमेशन भी काफ़ी जो है अच्छे लगे सैमसंग के। तो नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, तो गैलरी में अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं फ़ोटो शूट करता हूँ यहाँ पे, तो ये फ़ोटो शूट करा मैंने यहाँ पे और इसमें जाता हूँ मैं। तो आप एडिट पे जब जाओगे यहाँ पे, तो एडिट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे वही सारे फीचर हैं यहाँ पे, और एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। कलर में यहाँ पे कुछ जो कलर उसमें थे ऐड कैमरे में, वही कलर यहाँ पे भी शो कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है सैमसंग दोनों तब ऐड करा। और यहाँ पे एक इरेजर का ऑप्शन था, वो अभी भी नहीं मिला यहाँ पे, तो एडिट में भी इतने फीचर है अभी भी। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे गैलरी में भी एक न्यू जो आइकॉन आने वाला था वो भी अभी आया नहीं, आगे अपडेट में आएगा। तो ये फीचर पहले भी थे और कुछ माइनस फीचर यहाँ पे ऐड करे हुए हैं। एक्स्ट्रा ड्रीम, तो मुझे जो इसमें कमेंट आई थी कि ये ऑप्शन वर्क नहीं करा लो किस्म पे, देखो दोस्तों ये ऑप्शन बेसिकली होम स्क्रीन के लिए है, ये कोई बग से नहीं है। अगर बग्स होता तो सैमसंग अब तक इसे फिक्स कर देता, क्योंकि ये ऑप्शन कब से आ गया एंड्रॉइड 12 में, इससे पहले भी होगा शायद, बट ये कोई बग से नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो लोकेशन पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमें ये अगर हम मोबाइल यूज़ करेंगे तो लोकेशन पे यूज़ नहीं करेंगे, होम स्क्रीन पे यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें कुछ काम करना हो तो होम स्क्रीन पे हम यूज़ करेंगे। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कोई बग से नहीं है, सैमसंग ने इसे होम स्क्रीन के लिए दिया ऑप्शन यूज़ करने के लिए। बाकी अब क्या सैमसंग नेक्स्ट अपडेट में दे सकता है अपडेट और उसमें सॉल्व कर सकता है, तो हो सकता हो कि हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे इसके लिए कमेंट आई थी, इसीलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मुझे प्राइवेसी का ही पूछा गया था कि अब कुछ एप्लीकेशन एक्टिव रहती है तो इसमें शो नहीं करता। देखो दोस्तों यहाँ पे शो करेगा, बैटरी के साइड में यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पे देगा, वहाँ शो करेगा कि क्या कोई सी एप्लीकेशन आपकी जो है परमिशन के बिना यहाँ पे लोकेशन या माइक की परमिशन ये सारी ले रही है, तो वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपके इसमें नहीं हो रहा हो तो कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी उसमें, बट मेरे इसमें तो यहाँ पे शो करता है। अगर फ़ोन भी अगर आता है तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात कर लेते तो सैमसंग ने यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, तो सैमसंग ने यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे नया है ये मोड्स एंड रूटीन्स। तो इसमें क्या है, हम डेली यूज़ के लिए, स्लीप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें दूसरा क्या है कि ड्राइविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये नए नए ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो स्लीपिंग के अगला स्लीप के लिए अगर आप यूज़ करोगे, रिस्टार्ट जब यहाँ पे करते हो तो आपको ये सारी चीज़ बताएगा कि आपने स्लीप में मतलब क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो ये सारे ऑप्शन है। और दूसरा जो है यहाँ पे ड्राइविंग के लिए भी ये एक ऑप्शन दे रखा है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ भी कनेक्ट करके, तो इसमें आपको डू नॉट डिस्टर्ब जो कार के समथिंग आप चलाओगे तो उसमें जो फीचर है वो सारे आपको जो मेन मेन नोटिफिकेशन है वो सारी चीज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और ये चीज़ें वर्क करेगी। तो जब भी आप ऑन करोगे तो आप इस पर भी रख के मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं बिना कोई डिस्टर्ब हुए, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। तो इसमें से आप नए नए जो है यहाँ पे कस्टम से भी मोड को क्रिएट करके आप यूज़ कर सकते हो इस ऑप्शन को भी। सिक्योरिटी का भी एक नया ऑप्शन जो लुकआउट यहाँ पे चेंज करा है, तो अगर आप देखोगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसे स्कैन करते हो तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली ये बता देगा। अगर इन सब में से आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ पे होगी तो आपको इमीडिएटली बता देगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है। बट अभी अगर आप देखोगे तो सब में राइट क्लिक आया, मतलब इसमें भी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेसी अगर आप इसमें जाओगे तो आपको सारी चीज़ बता देगा किन किन परमिशन इन एप्लीकेशन उन्होंने ली है, और कुछ कुछ जिन्होंने नहीं ली वो सारी चीज़ यहाँ पे एक्सेस बताएगा। तो जिन्हें जो वो प्रॉब्लम हो रही थी प्राइवेसी की, तो आप यहाँ पे से चेक कर सकते हो क्या परमिशन जो यहाँ पे ले रहे हैं। तो आप बायोमेट्रिक को भी यहाँ से ओपन कर सकते हो और चेक कर सकते हो, ये भी एक अच्छी बात है। सिक्योर फोल्डर और प्राइवेट की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो सैमसंग ने काफ़ी इस अपडेट में चीज़ों ऑप्शन को कस्टमाइज करके अच्छे सही जगह पे इसे रखा है, तो ये भी एक अच्छी बात है सैमसंग जो अच्छा वर्क कर रहा है अपडेट के लिए भी। फिर डिवाइस केयर में है, तो इसमें क्या है यार दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये ऑप्शन एक ऐड कर रहा है यहाँ पे ऑटो ऑप्टिमाइजेशन।